अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान आपके साथ फोर्स जर्सी से रबते में। कल मुझे किसी साहब ने फ़ोन किया, पता नहीं कोई ISI का टट्टू था वो। दरअसल जो तीन साहब आप तक नहीं पहुंच सके थे, उनमें से एक ने आपको कत्ल करना था जी, मारना था आपको, तो उनकी कुछ आपस में लड़ाई हो गई या क्या हुआ और इस तरह। वैसे एक इससे बड़ा दिलचस्प वाक़या जुड़ा हुआ है। मैं इन चीज़ों पे बिलीव बहुत कम करता हूँ, लेकिन ये रूहानी स्पेक्ट्रम में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं एंड आई डू एग्री। हमने एक बिल्ली, मेल बिल्ला रखा हुआ है, उसका नाम सिम्बा है, आपने वीलॉग्स में भी अक्सर देखा होगा। मैं उस दिन जब तैयार होके अपने लाउंज में बैठा तो वो मेरी तरफ आया और घूमना शुरू कर दिया, दरवाजे की तरफ चला गया। मैं नीचे जाके बैठ गया, वो जब आ नहीं रहे थे तो पहली दफ़ा बहुत कम मेरी गोद में आके बैठ जाता है और चक्कर लगा रहा है। मेरी बेगम साहब ने कहा कि ये आज बहुत परेशान है। मैंने कहा पता नहीं मुझे क्यों परेशान है। आखिर वो मेरी गोद पे सो गया और मैं भी उठा और अपने कमरे में जाके सो गया। वो कोई उसको पता नहीं किस किस्म की बेचैनी थी। बहरहाल मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि मैं नहीं समझता कि मेरे अलावा पूरे, देखें अरशद शरीफ ने इनका नाटका बंद किया हुआ था, इमरान रियाज ने इनका नाटका बंद किया हुआ था और तीसरा मैं, उसके अलावा सारे पाक फौज पाइंदाबाद, चबड़ 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 चापलूसी, ड्रामेबाजियां, खामोश मुजाहिद, सारे फजूल। मैं आपको एक बात बताऊं, इतना आसान है इन कुत्तों हरामजादों से जान छुड़ाना। ट्विटर बिल्कुल एक्स प्लेटफॉर्म आज़ाद किया हुआ है। कल कासिम सूरी ने एक ट्वीट की हुई थी, रिक्वेस्ट की हुई थी इलॉन मस्क से कि आप पाकिस्तान से भी टेकअप करें। वही क्यों पाकिस्तान, पाकिस्तान डजंट मैटर यार, ब्राज़ील तो उनके लिए बड़ा मैटर करता है, साउथ अमेरिकन बहुत बड़ा कंट्री है और बहुत बड़ा बिजनेस है उधर, और वो बोल्सोनारियो से किसी तरह से इलॉन मस्क थोड़ा बहुत अलाइंड भी था, और ये लोलो जो है इसने तबाही फेरी हुई है। देखें बोल्सोनारियो 7-8 लाख बंदों को लाके उसने एहतजाज अपना किया था सड़कों पे, ये अलग बात है 2030 में इलेक्शन होंगे, लेकिन इतनी मैसिव किस्म की धांधली पाकिस्तान में, इतने मैसिव किस्म के फ्रॉड उधर, आप लोग क्यों रिएक्ट नहीं कर सकते, मामलात क्यों ख़राब हैं? दो चीज़ों की वजह से मैं हमेशा आपको कहता हूँ, मौत का डर और रिस्क ख़त्म होने का डर, मौत का डर और रिस्क ख़त्म होने का डर, जो इस खुदा के बंदे को बिल्कुल नहीं है। मौत जिस दिन आनी है आनी है, मैं बेपरवाह हूँ, मैं उसके बाद भी बाहर इस फोर्ड्स न्यूजर्सी की सड़कों पर अवारा फिर रहा था उस फोन कॉल के बाद भी। आई गिव अ डैम टू एनीथिंग, आ जाओ मार दो, दैट्स इट। अल्लाह ताला ने मुझे अपने, अल्लाह ताला ने मेरे से जो काम लेना है उसके लिए वो मुझे ज़िंदा रखेगा, अदरवाइज मेरी भी दुआ है कि मुझे ज़िंदा ना रखे। आई एम नॉट बदर्ड, आई हैव सीन द वर्ल्ड, आई हैव इन्जॉयड द वर्ल्ड, आई वॉज द वन हू टुक इट एज अ सेलिब्रेशन हेयर, रूह का इसमें आना। कल मैं इससे बात हुई है, हैप्पीनेस की बात करूं कि कल, पहले मैं आपको बताता चलूं कि कल मैंने ट्विटर पे वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स के लगाई हैं पोस्टें, जहां वो मिजल्स का और वो सारा मलबा मलबा घिरे की हैं, और मैंने एक पैराडाइम शिफ्ट ईरान का आर्टिकल लगाया है वॉल स्ट्रीट जर्नल का, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान ने बहुत बड़ा काम किया है, ईरान ने डरा दिया है, और ये ट्रूथ है कि लाखों लोग इसराइल से दौड़ रहे हैं। ये वर्ल्ड हैप्पीनेस की जो लिस्ट है इसमें इसराइल काफ़ी टॉप पे है, फर्स्ट 20 पे है। कल ये रिलीज़ हुई है, कुछ 3 साल ये इस पर वर्क करते रहे हैं, ये 10 साल से ये कंटेस्ट शुरू हुआ है, इसके डिफरेंट इंडिकेटर्स देखे गए हैं और डिफरेंट एज ब्रैकेट्स में इसे देखा गया है। US वर्ल्ड हैप्पीनेस की लिस्ट से 20 से नीचे गिर गया है फर्स्ट टाइम, और 23वें नंबर पर है। UAE 22वें नंबर पर है इस लिस्ट पे, अंदाज़ा लगाएं। क्योंकि मैं इधर देखता हूँ US में यूथ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, यूथ डू नॉट सी अ हैप्पी फ्यूचर इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये जो बापे हैं स्पेशली
लिबरल डेमोक्रेटिक जो बाबे हराम ज़ादे हैं, इन्होंने कोई फ्यूचर नहीं यूथ का इधर छोड़ा है। तो ला महला वो बड़े डिसअपॉइंटेड है। और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में यूथ का बड़ा फ्यूचर है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज पहली 5-7 पोजीशंस लिए हुए हैं। तो लिहाजा आप, मुझे याद है वो भूटान का मैं लिस्ट में नाम ही नहीं देख रहा था, वो बेचारी क्वीन ने ग्रॉस हैप्पीनेस प्रोडक्ट रखा कि ये GDP इज रॉन्ग हैप्पीनेस पे से। मे बी वो छोटा सा मुल्क है, दे डिड नॉट कंसिडर, और वो बड़ा क्लोज सा मुल्क है, उधर जाता भी कोई नहीं। नेचर के उधर आप जाएं तो वो ट्रैवलर को $500 पे करना पड़ता है शायद एवरी डे, और ये कि नेचर हमारी जौन सी है वो बर्बाद कर रहा है। तो नेपाल इज अहेड ऑफ पाकिस्तान, और उसमें पाकिस्तानी 108 पे है, इंडिया फर्दर नीचे है। मैं आपको बताता हूँ, उस दिन मरकंडे साहब भी थे साथ, मैं बताता था, वो ही एग्रीड विद मी कि इंडिया के बहुत पतले हालात हैं। इंडिया में आप जो देख रहे हैं वो GDP की वर्थ देख रहे हैं, ना तो साइज ऑफ इकोनॉमी से, ना ट्रिकल डाउन देख रहे हैं। बेतहाशा गुर्बत है, और ये जो इमिग्रेशन का इन्फ्लक्स साउथ से आया था उसमें ज़्यादा इंडियंस थे, नॉट पाकिस्तानीज, और करोड़ों इंडियंस रुपीज़ उन्होंने दिए। इंडियन बहुत ज़्यादा मादा परस्ती पर है, समहाउ दी अदर कहा जाता है कि ये इंडियन मज़हब का, एक दोस्त ने कहा जी कल्चर है बेसिकली। मैंने कहा जी बिल्कुल ट्रेडिशंस हैं बेसिकली जो चली आई हैं, ये मज़हब नहीं है। मज़हब तो वैसे कोई भी नहीं है, ये हमें रिलेट कर दिया कि ये जी फेथ है, ये इस तरह करके है, ये एक मॉरल दिया हुआ है, मॉरल बेयरिंग्स हैं कि मॉरल बेयरिंग्स विद इन द ह्यूमन लाइफ क्या हैं, वो एक स्ट्रक्चर है आपको जो दिया गया हुआ है। तो बल्कि उसने उसमें एक कहा हुआ था उस इंडियन ने कि जनाब साहब ये इंडिया तो एक्सटेंशनलिस्ट है ही नहीं। तो मैं कहा राजा दाहिर एम ही लड़ रहा था फिर उससे अपना मोहम्मद बिन कासिम से। फजूल किस्म की बकवासियात सारी। एक्सटेंशनलिज्म तो हर मजहब में है, और मोदी इज फॉर एक्सटेंशनलिज्म ऑफ हिंदू इन्फ्लुएंस, दैट यहाँ तक कि रामास्वामी जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट था, अभी वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप का बनना चाहता है, बहुत ब्राइट लड़का है हालांकि, बट ही हैज सम फ्लॉज, वो उसे जूडो क्रिश्चियनिटी ट्रेडिशंस को इंडो भी साथ लगा रहा था, कंजर का बच्चा, इंडो हिंदू, ये हिंदू वाता वाले जो लोग हैं, व्हाट डू दे वांट, आप कल्चर की बात कर रहे हैं, व्हाट इज देन हिंदू वाता हियर इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, खाम खा का इन्फ्लुएंस। वो सिडनी का मुझे याद आया, ऊपर नीचे दो सिडनी में वाकयात हो गए, एक बॉन्डाय बीच की माल में एक कहा गया जी ये पागल है, ही हिट, 6 लोग मर गए उसमें, ठीक है, एक बड़ी मिलियनेयर थे उनकी बेटी मर गई, और एक मरजई मर गया, एक मरजई उधर मर गया, वो 30 साल का, वो सिक्योरिटी में उधर ड्यूटी देता था। तो अहमदियों ने उधर कहा जी बस इसने, इस मरजई ने ऑस्ट्रेलिया सर पे उठाया हुआ था, ये पता नहीं कि पाकिस्तान से, बल्कि लिखा न्यूयॉर्क टाइम्स ने कि ये पाकिस्तान से प्रोसिक्यूशन से बच के आया था, और इधर प्रोसिक्यूशन हो गई। इधर गोरे ने तुन दिया है जी। कैसे आप बचने के लिए दौड़ते हैं, कहीं बचना नहीं, जब आपकी मौत लिखी है, ये आपके बहाने हैं कि ये हो रहा था, वो हो रहा था, टू टू टाटा। फिर बिशप को कल परसों रात बिशप को ठोक दिया, बल्कि उनकी कल रात, मंडे की रात, तो जनाब साहब बिशप को उन्होंने ठोक दिया। तो लिहाजा आप इन सब चीज़ों में, मैं आपको हैप्पीनेस के इंडेक्स के बारे में बात कुछ कर रहा था, और मैं कुछ कंट्रीज देख रहा था, आप वो गूगल पे लिस्ट पॉपुलेट हुई है, आप जाके ज़रूर देखें। बहरेन 62 पे है, आप देखें, थाईलैंड 58 पे है, मलेशिया 59 पे है, चाइना 60 पे है। अंदाज़ा मैं कितना कहता हूँ कि चाइनीज़ यूथ इज़ वेरी हैप्पी, मैं आपको बताऊँ। क्रोएशिया 63, ग्रीस 64, बॉस्निया 65,
इवन मैं इधर आगे लिस्ट में जाके पैलेस्टीन का पढ़ रहा था, पैलेस्टीन पाकिस्तान से ऊपर है, अंदाजा लगाएं, ठीक है ना जी। हांगकांग जो है 86 पे है, अल्बानिया ताजिकिस्तान 88 पे है, मंगोलिया इक्वेटर 74 पे, वेनेजुएला 79 पे, जो बिल्कुल पिटे हुए मुल्क हैं। खुशी बाबा कुछ और बात है, जॉर्जिया मुझे मेरे ख्याल में ऊपर होना चाहिए था, 91 पे है, आई लव इट। इराक 92, नेपाल 93 पे, अंदाज़ा लगाएं, टर्की 98 पे, सेनेगाल, अजरबैजान 101 पे, पैलेस्टीन 103 पे पाकिस्तान से ऊपर, यूक्रेन पाकिस्तान से ऊपर, मोरक्को 107, पाकिस्तान 108 पे, और 109 पे नाइजर है। पाकिस्तान में, यस पाकिस्तान में इसी वजह से डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान के मामला बहुत बिगड़ गए हुए हैं, और पाकिस्तान से नकल मकानी लोग इस मजबूरी के तहत कर रहे हैं। अभी तो ये पिछले 3 साल की है, पाकिस्तान जब अजाबिस्तान बनेगा, इसमें इसराइल वुड ऑल्सो ड्रॉप, मे बी पैलेस्टीन ऑल्सो ड्रॉप आफ्टर द वार, इस ये 3 साल का है एक्चुअली। मैं आपको बताऊं, मैंने थंबनेल में लिखा है, क्या खुशी आपके अपने बस में है या रियासत के बस में है? मेरे ख्याल में खुशी आपके बस में है, आप रियासत को अकॉर्डिंगली मोल्ड करते हैं। रियासत आपको लालच देती है, अगर उसका लालच आप एक्सेप्ट करते हैं, फिर आपको वो एक्सप्लॉइट करते हैं आपकी डिज़ायर से, ठीक है, वो डिज़ायर से आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, आपकी माती ख्वाहिशात आपको लौड़े लगवाती हैं, ठीक है ना जी। और इसी तरह ये सारे जोन से है, लोग आप पे चढ़ाई कर देते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी जिंदगियों में सोच को और रवैये को बदलने की कोशिश करें, इससे मैं आपको बताऊं आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, आप में से कोई बंदा भी इस फौज के ख़िलाफ़ नहीं है, सवाए मेरे। मैंने बताया अरशद शरीफ, ये अपना इमरान रियाज या मैं, बाकी सब कॉम्प्रोमाइज, टांटा पापा पी पी टीन टीन। मैं कहता हूँ 100 ट्वीट्स में अभी भी चैलेंज करता हूँ, 100 लोग मेरे साथ ट्विटर पे जुड़ जाएं फॉर मेकिंग वायरल ईच अदर्स ट्वीट्स ऑन दिस हराम जदगियाँ ऑफ 7 लाख मदरचोद सुअर। ये दौड़ ना जाएं तो मैं आपको बताऊँ क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं, बिकॉज आई एम मेकिंग इम्पैक्ट। अगर मैं इम्पैक्ट देखें, बेनोई को भी उठा लिया, छोटे भाई को भी उठा लिया, घर भी कब्जे में, सब कुछ कर लिया, फिर अभी तक मेरे पीछे पड़ रहे हैं, मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, बिकॉज आई एम मेकिंग एन इम्पैक्ट। मैंने इनका टुआ मारा हुआ है। अपना बहुत ख्याल रखें, कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने।